हेलो एवरीवन गाइस, आप लोग कैसे हैं? होप अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आया हूं, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को अपना गाड़ी जो है NS125 पल्सर, तो इसका हम लोग सेकंड सर्विसिंग हम करवाने वाले हैं। और हमारे साथ में जो है राहुल भाई हैं, इसका नाम राहुल है, हमारे साथ में आया है। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मीटर, जो कि पहले फर्स्ट सर्विसिंग तो हम करवाए थे 500-1000 के बीच में है फर्स्ट सर्विसिंग, ठीक। उसके बाद अभी जो है 3000 से 3500 के बीच में सेकंड सर्विसिंग होने वाले हैं। तो अभी इसका जो मीटर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, हालांकि इसका जो है अभी 3400 किलोमीटर चढ़ चुका है, तो 3000-3500 के बीच में अपना सेकंड सर्विसिंग करवा सकते हैं। तो 3400 चल चुका है और मैं अपना सेकंड सर्विसिंग इस बाइक को करवा देता हूँ। आप लोग को अपना गाड़ी का जो मीटर है आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। सो अपना ये NS125 पल्सर आप लोग देख पा रहे होंगे, चलिए आपको मीटर दिखाते हैं। आप लोगों का गाइस दिख रहा होगा 409.5 किलोमीटर है। तो अभी इसका हम करवा लेते हैं, ट्रिप टू पे है ये और अभी है ड्यू। टोटली जो गाइस 3410 किलोमीटर चल चुका है गाड़ी, आप लोग देख सकते हैं 3410 किलोमीटर टोटली चल चुका है। तो हम लोग इसका सेकंड सर्विसिंग हम लोग करवाने वाले हैं। अभी तो फ़िलहाल अभी एजेंसी पे ही है, आप लोग देख सकते हैं बजाज एजेंसी। और आप लोग को मैं एजेंसी का व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अपनी बाइक गाइस, आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और ये रहा एजेंसी, ऊपर थोड़ा रूम वगैरह है और नीचे में वहाँ से एंट्री करने वाले हैं एजेंसी के अंदर, वहाँ से सर्विसिंग होता है। और ये रहा गाड़ी। तो गाइस चलते हैं अभी अंदर। तो गाइस अभी जो है गाड़ी का सर्विसिंग बुक ली है भैया, और गाइस सेकंड सर्विसिंग का जो भी एंट्री है तो भैया कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से एंट्री कर रहे हैं भैया। और अभी जो है सर्विसिंग टेबल पे आ चुके हैं गाड़ी, और हमारे राम प्यारी जो है सर्विसिंग के लिए तैयार हैं। तो आप लोग देख सकते हैं टेबल कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और अभी जो आप लोग देख रहे हैं गाइस, वो पिछला वाला जो टायर का जो बोल्ट है गाइस, वो भी खोल रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए गाइस, कुछ इस तरह से इंजन से मोबिल निकल रहा है, और मुझे लग रहा है कि मोबिल ख़राब हो ही गया है, क्योंकि मुझे कंफर्म है गाइस कि 1 लीटर मोबिल डालने से 2000 किलोमीटर गाड़ी को आप रनिंग कर सकते हो, यानी आप अपना गाड़ी 2000 किलोमीटर तक आप चला सकते हो। और मुझे यकीन है गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे कि 1 लीटर मोबिल डालने से कितना किलोमीटर तक गाड़ी चल सकता है। तो अभी पिछला वाला टायर का जो भी काम था गाइस, वो कम्प्लीटली पूरा हो चुका है, और अभी जो है थोड़ा क्लीन वगैरह कर रहे हैं भैया, और उसके बाद टायर को फिटिंग कर देंगे। सो गाइस ये रहे फिल्टर का जगह, और इसमें जो एलईडी पहले से था लेकिन उसको निकाल के साइड में रख चुके हैं, और अभी इसको थोड़ा साफ सफाई करवा देते हैं, उसके बाद नया वाला जो फिल्टर है वो लगाते हैं।
सो फाइनली मैं फिल्टर अभी लग चुका है और अभी आता है मोबिल की बारी। सो आप लोग देख सकते हैं बजाज का है मोबिल। सो एक चीज आप लोग को मैं बताना भूल ही गया, आप जब भी सर्विसिंग करवाने के लिए आते हैं तो मैं अपने तरफ से रिकमेंड करूंगा गाइस कि मोबिल बजाज का ही यूज कीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकती है। चलिए अब जानते हैं मोबिल फिल्टर का प्राइस सो कितना है। सो आप लोग को मैं बताता हूँ, सॉरी उल्टा है। हाँ आप देखिए गाइस, फिल्टर का जो प्राइस है वो 48 रुपया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये रहे हमारा रैम पेयरिंग। तो अभी बचा है सर्विस का आखिरी काम। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं डिस्क ब्रेक का जो भी काम है अभी कर रहे हैं भैया। और मैंने भैया से पूछा था कि भैया डिस्क पैड बदलना पड़ेगा, तो भैया बोले आपका डिस्क पैड बिल्कुल ठीक है, आपको कोई जरूरत नहीं डिस्क पैड बदलने का। मैंने भी बोला ठीक है कोई नहीं, ठीक है तो लगा दो यही। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये किस चीज़ का कवर है, तो मैं बता दूं गाइस कि ये कवर जो है हॉर्न का है और इसका प्राइस जो है 181 रुपया है गाइस। जी हाँ गाइस, तो इस हॉर्न का एक चीज़ आप लोग को मैं बताना भूल गया, इस हॉर्न का जो गाइस साइज छोटा है लेकिन बहुत ही लाउडली आवाज़ है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हॉर्न है गाइस। गाइस आप लोग देख सकते हैं यहीं पर लगेगा हॉर्न। सो फाइनली हम लोग एजेंसी से बाहर आ चुके हैं और हमारा जो गाड़ी है सर्विस हो चुका है सेकंड। तो गाइस ये रहा हमारा गाड़ी और आपको मैं बता दूं क्या क्या लगाए हैं, आप लोग तो पहले ही देख ही चुके होंगे। तो पहला तो फर्स्ट फिल्टर बदला है प्लस मोबिल, और हमारा इधर से ग्रीसिंग हुआ है देख ये वाला, अंदर का जो ब्रेक शूज होता है वो उसको साफ किया है। और बता दूं इसका जो चेन है क्लीन हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। हालांकि इस पर स्प्रे नहीं मारा गया है, मेरे पास था ऑलरेडी पहले से, मैं घर पे भूल गया था, तो मैं बोला जो ठीक मैं अपना घर पे कर लूँगा जी। ठीक एक चीज़ और लगाए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे हॉर्न दो लगाए हैं, एक ये वाला एक्स्ट्रा में लगाए, ये पहले से था और ये अभी का लगाए हैं। बस इतना ही सा सामान लगा है और आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कितना का जो बिल बना है आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। सो गाइस ये रहा हमारा बिल सर्विस से, सेकंड सर्विस का बिल, और ऊपर में हमारा नाम, गांव का एड्रेस, आज का तारीख। और दिखा देते हैं आपका मोबिल 455 रुपया, फिल्टर जो है मोबिल फिल्टर 48 रुपया, और हॉर्न एक लगाए हैं 181 रुपया हॉर्न का। ठीक बस इतना ही सामान लगा है और कुल मिला के 684 रुपया का बना है, वही लमसम गाइस 700 का पड़ जाता है। कहीं कहीं जो होता है ना गाइस कि सर्विस सेंटर आप जाते हो तो कहीं सर्विस करते हैं सो वहां का जो कुछ रिस्पांस नहीं देता है, मतलब अजीब तरह से व्यवहार करता है, तो लेकिन यहां का एजेंसी का सर्विसिंग जो करते हैं यहां का बहुत ही अच्छे तरह से बातचीत है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है इन लोग का और सर्विस भी बहुत अच्छा से दी है। जिसमें बताऊं तो मैं आज अहमदाबाद जा रहा हूं, राजस्थान पापा के पास जा रहा हूं, वहीं पर रहूंगा और अभी तो आने का कोई चांस ही नहीं है, वहीं पर रहूंगा। दरभंगा से अहमदाबाद का ट्रेवलिंग वीडियो भी आ सकता है आप लोगों के बीच में, मतलब नेक्स्ट वीडियो वही आएगा दरभंगा से अहमदाबाद की ट्रेवलिंग वीडियो। ठीक आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, और इस वीडियो में सर्विसिंग भी किए हैं उसका आप लोग को तो सब कुछ पता चल ही गया होगा, जो क्या है क्या नहीं है, कितना कॉस्टली पड़ेगा, क्या कितना पड़ेगा, आप लोग सब कुछ जान चुके होंगे, इतना ही हम लोग को पे करना पड़ेगा। आशा करते हैं आप लोग को भी वीडियो अच्छा लगे हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा दें। मुझे पता है आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, आप 1000 सब्सक्राइबर बढ़ा ही देना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।